हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडिंग चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट कैसे फॉर्म करती है और कैसे उसके फंक्शंस हैं वो हमने स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडिंग हाउ इज लोकसभा फॉर्म्ड, हाउस ऑफ द पीपल ये भी कहा जाएगा उसको। देन द इलेक्शन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहा जाता है, आर कंडक्टेड इन द सेम वे। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेटेड बाई 1 elected मेंबर इन द पार्लियामेंट। 1 candidates हु कंटेस्ट फॉर द सीट इन पार्लियामेंट आर यूजअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। The elected candidates is known as the member of parliament. All these elected members collectively form the Lok Sabha. अब कैसे Lok Sabha form होती है कि जो Lok Sabha और legislative assembly, Lok Sabha and Vidhan Sabha, है ना, Lok Sabha को parliament भी कहते हैं और legislative assembly को Vidhan Sabha भी कहते हैं, तो दोनों एक ही type से form करती है। दोनों का time period 5 years का होता है। वहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, 1 member इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। दोनों पार्लियामेंट के लिए जो चूज़ होगा वो जाएगा लोकसभा में, पार्लियामेंट में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट होगा उसको बोलेंगे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। इस टाइप से ये मेंबर लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होता है। और ये सीट्स यूजुअली जैसे भी जो एरिया होता है, एरिया वाइज सीट्स डिवाइड की हुई होती है, उसके थ्रू इलेक्ट पीपल इलेक्ट होते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं। देन हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड। From this list, it becomes clear how many members from which political party are there. If any party wants to form the government, then there should be a majority of elected members from that party. After the election, the leaders of the party of a coalition of the parties which has the clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha. The prime minister of India is the head of the ruling party. अब कैसे ruling party form करती है? जो भी Lok Sabha में जितने भी members elect होते हैं वो सारे members से parliament form होती है। Okay, then जिसको भी elected people है, जिसको भी majority मिलती है, इलेक्टेड पीपल्स जितने भी है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को ये सारे लीडर्स, सारे मेंबर्स मिलकर एक लीडर चूज़ करते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है। उसके बाद है एक्टिविटी, टेलीकास्ट जो लोकसभा और राज्यसभा का होता है वो आप प्रॉपरली टीवी में देख सकते हैं। देन है हाउ इज राज्यसभा फॉर्म्ड। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स फॉर राज्यसभा। देर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। Out of them, 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. The Rajya Sabha is the parliament house. It never gets dissolved completely. 1/3 of the members of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years term. And the new members are inducted. इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वैसे ही राज्यसभा में 250 मेंबर्स, ओवरऑल 250 मेंबर्स होते हैं, जहां पर जिसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसको जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं और जो उनका 6 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसका
टाइम पीरियड 6 ईयर्स का होता है राज्यसभा का, जो हर 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं जो मेंबर्स, उनकी जगह न्यू मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। देन राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ आर कंट्री। द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रोपोज अ बिल। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल। दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास्ड बाय द लोकसभा। थस द रोल ऑफ राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन हु प्रेसिडाइज ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जो भी बिल होता है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो बिल वो करते हैं, वो पहले लोकसभा में बिल पास होता है, देन राज्यसभा में बिल पास होने के लिए आता है। ये बहुत, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके जो प्रेसाइड करता है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, वो चेयरमैन के नाम से उसको ही इज़ नोन एज चेयरमैन। एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके, देन क्वेश्चन आर। जैसा आप लोग टीवी में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आर होता है, जिसमें कोई भी इलेक्टेड मिनिस्टर, इलेक्टेड मेंबर होता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है मेंबर्स से, जिसका आंसर उसको देना होता है। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डेज, द टाइम फॉर द क्वेश्चन आर इज डिसाइडेड। During the question hour, the members of parliament ask questions to gather information on the working of the government. This is how the parliament control the executive. अब जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा था, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं वो क्वेश्चन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके एरिया की या और भी किसी भी एरियाज वाइज। दिस इज़ हाउ टू पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, उसके क्वेश्चन के थ्रू उनको आंसर देना होता है। इन दिस वे द गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। It is an important responsibility of the members to question the government. The opposition party plays the major role in the effective administration of our democracy. यहाँ पर opposition party जो भी होती है उसका important role होता है, क्योंकि वो जो भी है, जितना जो भी work ruling party करती है उसके through उसको सारे उसके जो भी वर्क होते हैं उसके थ्रू उसको राइट है रॉन्ग है कैसे करना है क्या है उसका वो करती रहती है, जिसके थ्रू लोग जो भी उनके काम होते हैं वो प्रॉपरली चलता रहता है। ओके, द अपोजिशन पार्टी इज द मेजर रोल। इट हाईलाइट्स द लूप होप्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। द पर्सन हु प्रेसाइड्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। जो लोकसभा में प्रेसाइड्स करते हैं, जो होते हैं वो स्पीकर कहे जाते हैं, और जो राज्यसभा में प्रेसाइड्स होते हैं वो चेयरमैन कहे जाते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ के होते हैं स्पीकर कहा जाता है उनको। प्रेसिडेंट is the most important and integral part of the parliament. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. He has the power to decide about the meetings of the parliament and announces the completion of sessions too. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हीं के साइन के थ्रू कोई भी बिल पास होता है। जब दोनों हाउसेस में, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों टू हाउसेस में बिल पास हो जाता है, देन जब वो लॉ बनता है तब प्रेसिडेंट के साइन सिग्नेचर बहुत कंपलसरी होते हैं। उनके सिग्नेचर के बाद ही वो कोई भी एक लॉ बन सकता है, और उनको पावर होती है कोई भी मीटिंग्स
करने की अनाउंसमेंट करने के लिए. ओके, अब ये लेसन हमारा यहीं पे फिनिश होता है. थैंक यू.